समझ रहे हैं, एकलव का ही अंगूठा क्यों काटा गया, सुतपुत राधे कर्ण को क्यों स्वयंवर से वंचित किया गया, शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या क्यों हो गई, उसी के फहरिस्त में हमारे लालू प्रसाद के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। और नया जो हमारा भविष्य है, बेरोजगारों का आइकॉन है, उसमें जो देखा कि तेज है, लालू प्रसाद की पाक को पगड़ी को बहुत ऊंचा कर सकता है, समाज का रहनुमा बन सकता है, तो उसको भी षड्यंत्र फंसा रहा है कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। लैंड फॉर जॉब मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा इस केस को लेकर लालू यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इसको लेकर जब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है कि ये सब षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र हैं, केवल लालू यादव का नाम बदनाम करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए। लेकिन जो देश की जनता है वो समझदार है, वो जानती है कि ये सब केवल एक षड्यंत्र है और राजद सुप्रीमो लालू यादव को केवल फंसाने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये हम आपको सुनाते हैं। केंद्रीय गृह विभाग ने मुकदमा दर्ज करने के लिए सीबीआई को आदेश, ये सही आप बजानिए, ये षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र है। आप समझ रहे हैं, 9000 करोड़, 600 करोड़ आ गया, कितना करोड़ पर, 6 करोड़ पर, समझ लीजिए। ये षड्यंत्र को देश जानती है और कहीं ईश्वर है, खुदा है, परमात्मा है, प्रभु है, ये षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र चलेगा नहीं। कर्नाटक का हाल देख लिए, देश के उपचुनाव को देख लिया, 50-53 हज़ार से यूपी में चुनाव हारे हैं। अब जान लीजिए कि इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा नफरत वाले समय आ रहा है। अध्यक्ष भाजपा के समय चौधरी ने यह बयान दिया, लालू यादव भारत के नहीं है, है ना, तो आप सुने होंगे, आप ही जवाब दे दीजिए। सनातन था कि नहीं, अभी देश भर का चुनाव उसमें सनातन था कि नहीं था, इसलिए ये सब सवाल प्रवक्ताओं से पूछिए। समझ रहे हैं, एकलव का ही अंगूठा क्यों काटा गया, सुतपुत राधे कर्ण को क्यों स्वयंवर से वंचित किया गया, शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या क्यों हो गई, उसी के फहरिस्त में हमारे लालू प्रसाद के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। और नया जो हमारा भविष्य है, बेरोजगारों का आइकॉन है, उसमें जो देखा कि तेज है, लालू प्रसाद की पाक को पगड़ी को बहुत ऊंचा कर सकता है, समाज का रहनुमा बन सकता है, तो उसको भी षड्यंत्र फंसा रहा है, कौन सी बात है, जग जाहिर बात है। लालू प्रसाद यादव को पॉलिटिकली एक्टिव होना महंगा पड़ रहा है। अब सब तो बात तो मूल बात में कह ही दिया कि ये षड्यंत्र की नफरत वालों का षड्यंत्र है, सारे षड्यंत्र धराशायी होंगे और जो हाल यूपी के घुसी में हुआ है उससे भी बुरा हाल देश में। अभी आपने बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को सुना, उनका कहना है कि लालू यादव को केवल जो केंद्र सरकार है वो फंसाने की कोशिश कर रही है, और केवल उनको ही नहीं, तेजस्वी यादव जो कि बिहार के यूथ आइकॉन है, जिन्होंने अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया है, उन्हें भी जो केंद्र सरकार है वो बदनाम करने की कोशिश कर रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देश की जनता समझदार है, वो जानती है कि ये सब केवल एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। तो आपने सुना क्या कुछ कहा बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।